हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बागोरिया। कैसे हो दोस्तों? आज टाइम नहीं मिला इसलिए यार वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ, और कैसे भी डाल रहा हूँ, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं देख रहा हूँ, बट स्टिल कोशिश कर रहा हूँ कि डल जाए वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि आजकल आपके कोई भी वैसे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो सेफ नहीं है, ठीक है। इन्हीं में से एक जैसे आपका इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हैकर्स ताक में लगे रहते हैं कि किस तरीके से किसी का इंस्टा का जो अकाउंट है वो हैक कर लिया जाए या हैक कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसे में कैसे हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेफ कर सकते हैं हैकर से, और कैसे वो उस तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, वो मैं आज को दिखाऊंगा, ठीक है। कैसे आपको सेव करना है, सेटिंग्स होती हैं, बस छोटी सी मामूली सी सेटिंग है वो आपको करनी है, तो आपका अकाउंट बच जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम में जाना है आपको। इंस्टाग्राम में जाने के बाद दोस्तों आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर राइट हैंड साइड पे डाउन पे है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, देखिए ये थ्री जो लाइंस है इन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो आपकी जो थ्री लाइंस ओपन होने के बाद नीचे की तरफ, उस पर नीचे देखिएगा सेटिंग का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग्स के बाद आपको सीधा जाना है दोस्तों सिक्योरिटी पे, ठीक है। सिक्योरिटी के बाद जो दोस्तों आपको जाना है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों द मैसेज, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये देखिए, ये मैंने जैसे मान लीजिए ऑफ कर दिया, ठीक है, मैंने पहले से ही कर रखा था, लेकिन ये नॉर्मली क्या होता है सबके अकाउंट में ऑफ ही रहता है। उसके बाद आप अगर इसे ऑफ करते हैं तो यहाँ पर इंस्टा आपके पास एक कोड भेजेगा, ठीक है, ये कोड आ गया है। तो जो भी आपका कोड होगा वो आपने डालना है, ठीक है, और वेट कीजिएगा। कोड डालने के बाद दोस्तों जैसे ही आपके पास कोड आएगा वो आपको एंटर करना है, और आपकी वो सेटिंग हो जाएगी। जो भी ओके ओके आएगा वो आप दबाते जाइएगा, और आपके पास एक बार कोड आएगा, तो स्क्रीनशॉट को सेव रखना फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। जब भी कभी आपका अकाउंट हैक होगा तो वो कुछ कोड्स होंगे उसमें, वो आपके काम आएंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जब भी कोई आपका हैकर आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश करेगा तो आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, एक OTP आएगा, और बिना उस OTP के आपका अकाउंट किसी भी दूसरी जगह पे लॉगिन नहीं होगा। इस फ़ोन से मतलब अपने फ़ोन से या कहीं और भी आप अगर करोगे तो वो लॉगिन नहीं होगा, तो आपकी परमिशन के बिना और आपके फ़ोन नंबर के बिना। तो दोस्तों इस तरीके से आपका फ़ोन हैकर, आपका इंस्टा अकाउंट, आपके का जो इंस्टा अकाउंट है वो हैकर से सेफ रहेगा और आप बचे रहेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।